नेशनल टेलीविजन, मैं हूं वसीम कतो। आपको बताना चाहेंगे, बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पे अगर हम जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के अंदर भी लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। हमारे जो हिली एरिया है वहां पे भी कंटिन्यू बारिशों का सिलसिला जारी है। मगर आपको कल की अगर हम बात बताएं, हमारा जो एरिया पड़ता है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे गुंदा का इलाका पड़ता है। गुंदा के साथ जो लुडना का इलाका जुड़ता है, सुनने में यह आ रहा है कि वहाँ पे कल बादल फटा। उसका जो दूर दराज का इलाका है वहाँ पे बादल फटा, उसके बाद जो है लुडना के इलाके में पानी पूरा लुडना के इलाके में पहुंचा। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कल वहाँ पे थे जब उनने हमसे बातचीत की। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए अभी जुड़े हैं उसी इलाके के BDC सरशाद नटनू जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे, अफवाहों का बाजार कल काफ़ी ज़्यादा गर्म था, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा था कि मकान बह गए हैं या बाकी चीज़ें बताई गई थी, अभी क्या बताना चाहोगे? थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कीजिए, कितना नुकसान उस इलाके के अंदर है और क्या बताना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले वसीम, आपका और आपके चैनल गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया जो हर वक्त हमारे लोगों के जो इश्यूज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। जहां तक बात इस कल के वाकये की है या आजकल जो मौसम चल रहा है, बहुत खतरनाक किस्म का मौसम है, मॉनसून चल रहा है। कल रात जो है हमारे लुडना एरिया में जो है कहीं ऊपर हिली एरिया में जो है जंगल में 10-15 किलोमीटर दूरी पे कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ये हमारा खदशा है, अभी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से एक खतरनाक किस्म का नाला आया। उस नाले की वजह से कल रात को ही हमारे जो रोड कनेक्टिविटी थी वो टोटल बंद हो गई थी तहसील गुंदना की। वो उस पर गुंदना रोड आता है, आवली मासरी और मलवाना रोड आता है, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद पूरे रात बारिश हुई, अभी भी बारिश हो रही है। और सुबह सुनने में, सुबह जो हमें इतलात मौसूल हुई नंबरदार चौकीदार या मेरे सरपंच साहिबान के थ्रू के या वहाँ के मौजूद लोगों के थ्रू, उन्होंने ये कहा कि कल आज सुबह जो है दो मकान जो है, एक तो टोटल खत्म हो चुका है और दूसरे का भी जो है मकान गिर चुका है। इसके साथ साथ हम इरिगेशन की बात करें या बाकी काम जहां बिजली पानी की बात करें, इस वक्त टोटल जो है बंद हो चुका है, लोगों को बड़ी मुश्किलात है। तो मेरी आपके माध्यम से जो है जिला इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द एक कमेटी को वहां भेजा जाए। तहसीलदार गुंदना से भी मेरी बात हुई, वो बेचारे लगे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो DC साहब हैं वगैरह, उनकी टीम अगर हाई लेवल टीम बने, इनके पास SDRF में पैसा होता है, उस SDRF के पैसे से जो है लोगों को रिलीफ दे। आपसे क्या पर्सनली डिप्टी कमिश्नर साहब से कोई बातचीत हुई? हाँ, मेरी बात, मैंने फोन किया था, बात नहीं हो पाई, कहीं वो आज बदरवा में कोई इनका फंक्शन चल रहा है। मैंने कोशिश की, मैं उनके ऑफिस भी गया, मैं इसीलिए आज आया था यहाँ, लेकिन बदकिस्मती से वो बदरवा में है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो जो ही आएंगे तो मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। SDRF में इनके पास पैसा पड़ा हुआ होता, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि आपने देखा पिछले दिनों कारा में भी क्लाउड बर्स्ट आया, लेकिन वहां भी अभी तक जो मेरे पास इतलात मौसूल हुए, लोगों को कोई उसका जो रिलीफ नहीं मिला, जो अफेक्टेड लोग वहां पे। मेरी DC साहब से गुजारिश रहेगी, मैं उनसे आज पर्सनली भी मिलूंगा कि जो वहां पे भी अफेक्टेड लोग हैं या मेरे इस वक्त गुंदरा एरिया में अफेक्टेड लोग हैं, उनको फिल फोर जो है SDRF में रिलीफ मिलना चाहिए। के लोगों से जब फोन पे हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि बिजली 2 दिन से नहीं है, पानी 2 दिन से नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह कदम उठाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उनको और क्या बताना चाहोगे? देखिए, जहां बिजली और पानी की बात है, जब इस किस्म के नाले आते हैं, इस किस्म का हादसा होता है, तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टिविटी तो आ जाती है, पोल्स गिर गए, आपकी लाइनें टूट गई, पाइपलाइंस। मेरी आज DC साहब से यही गुजारिश रही कि मैं उनसे पर्सनली भी मिलूंगा कि वो फिल फोर जो है टीम को भेजें, रेस्टोर कराएं पानी को और बिजली को। और साथ साथ आवाम से भी मेरी एक गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम ही इस किस्म का है, आज मॉनसून का वेदर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। और खास करके बच्चों को, पेरेंट्स से गुजारिश रहेगी कि आज 1-2 दिन जो है जब तक ये बारिश हो रही है, बच्चों को अपने घरों से बाहर ना निकाले, क्योंकि हम घर में सेफ रहेंगे। और लास्ट आपके माध्यम से एक LG एडमिनिस्ट्रेशन से तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि फिल फोर जो है इन जो जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि उनको SDRF के थ्रू रिलीफ मिलना चाहिए, या आपका रेडक्रॉस में पैसा होता है उससे रिलीफ दे, या LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG हाउस से इनको रिलीफ दे, ताकि लोग जो अफेक्ट हुए हैं, जिनके मकान गिरे हैं, जिनका बिजनेस डिस्ट्रॉय हुआ है, उनको बेनिफिट्स मिले, यानी कि वो ट्रैक पे फिर से आए। बिल्कुल। आपका नाम क्या है और किस इलाके के सरपंच हैं? मोहम्मद यूसुफ लोन, सरपंच पंचायत गड़तर ए। क्या बताना चाहोगे, आपके इलाके के अंदर भी नुकसान हुआ है? जी, 2 दिन से जो बारिशें, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, लिहाजा 2 दिन से जो बारिशें चल रही हैं, इन बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है पंचायत के अंदर। जो रूरल डिपार्टमेंट के जितने भी काम हुए हैं, मतलब जैसे कि फुटब्रिज का काम है, कहीं बीपात सीपात, लैंड लेवलिंग, प्रोटेक्शन वर्क जो भी है, कच्चा काम जो भी होता है, सूखा काम, ये सारा आज बारिश से ख़त्म हो गया है। इसके बगैर कई मकाने भी क्रेक हो गए हैं। तो देखिए, इलाकों के अंदर हम देखते हैं, खास करके जो गुंदना का इलाका है, फल फ्रूट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनता है, क्या उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है? जी, जब ज़मीनों का नुकसान हुआ तो ऑलरेडी फल फ्रूट का नुकसान तो होना ही था। तो क्या कंपनसेशन वगैरह मिलना चाहिए उन लोगों को, अपील क्या करेंगे आप LG एडमिनिस्ट्रेशन से? जी, हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि इन लोगों का मुआवजा मिलना चाहिए, इनकी भरपाई होनी चाहिए।
तो साफ तौर पे देखा आपने कि गुंदा के बीडीसी चेयरमैन सरशाद नटनू और उनके साथ अलग अलग सरपंच अलग अलग इलाकों के, और जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर किसी को ज़्यादा नुकसान है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और इनका ये भी कहना है जो एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी कर दी गई है कि बिला वजह आप घरों से बाहर मत निकलिए, मत सफ़र आप कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मानसून की बारिश लगातार जारी है कोई भी हादसा हो सकता है। खास करके हमारा जो चिनाब खिता है, इस चिनाब खिते में आप देखेंगे जितने भी हमारे रास्ते हैं वो स्लिपरी हैं। हमारे भी सब लोगों से अपील रहेगी बिला वजह आप घरों से बाहर बिला वजह सफ़र मत कीजिए, अगर आपको निकलना भी है तो जो हमारे कंट्रोल रूम नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान, वसीम गत्तू, डोडा।